स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन सभी के लिए जो किसी भी प्रकार से प्लांट्स को ग्रो करते हैं, चाहे गमले में हो या फिर फार्म में। आपने कुछ स्पीसीज ऑफ प्लांट में आपने ऐसे काले धब्बे देखे होंगे पत्तियों पर, ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं, और हमें इनको देखकर चिंता होती है कि कई हमारे प्लांट बीमार तो नहीं है, कोई डिजीज नहीं लग गई, वायरस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में ये एक इंसेक्ट का किया धरा है जिसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं, और इसी सैप सकिंग इंसेक्ट को आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से लाइफ स्टेज में इस छोटे से फ्लाई के ये हमको ब्लैक स्पॉट्स या फिर जो केस है, स्केल है, ये नजर आते हैं। तो बने रहिए अंत तक, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे व्हाइट फ्लाइज के बारे में। तो ये तो पैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं जो होस्ट प्लांट पर अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं। लेकिन ये मिलीबग नहीं है स्यूडोकोसिडे फैमिली के, ना ही ये कोई स्केल इंसेक्ट है कोसिडे फैमिली के। ये है व्हाइट फ्लाई जो बिलोंग करते हैं फैमिली एलेरोडिडे फैमिली के अंदर। तो साथ ही में क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ये हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं और सब ऑर्डर इनका होता है स्टेरनोरिंका, जिसमें मैंने कहा है बहुत सारे ऐसे होस्ट प्लांट पर रहने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं। और सबसे पहले तो आपको जिज्ञासा होगी कि ये ब्लैक स्पॉट्स है क्या, तो उसी को एड्रेस करते हैं। ये ब्लैक स्पॉट्स को समझने के लिए हमको इस व्हाइट फ्लाई के पूरे लाइफ स्टेज को देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके एग स्टेज की। तो पहले तो जो एडल्ट फ्लाइज होती है वो पत्तियों के अंडर साइड में यानी निचले भाग में अंडों को डिपॉजिट करती है, और कई संख्या में हो सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न में हो सकते हैं इनके अंडे। अंडों में से निम्स बाहर आते हैं जिनको क्रॉलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं फीड करने के लिए, फिर फाइनली वहीं पर स्टेशन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। फीडिंग साइट पर जाने के बाद अपने आप को ये लॉक कर देते हैं उस जगह पर, क्योंकि इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आने वाला होता है जिसको प्यूपल स्टेज कहा जाता है, और यही होता है ये काले स्पॉट्स का रहस्य। एक जगह पर इमोबिल होने के बाद ये लीफ सरफेस पर अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और यहीं पर हमको ये टाइनी छोटे छोटे डॉट्स केल आकार के नजर आते हैं। और अंदर क्या हो रहा होता है, तो अंदर जो है मेटामॉर्फोसिस हो रहा होता है, जिसमें जो प्यूपा है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, तैयारी हो रही होती है एडल्ट व्हाइट फ्लाई बनने की। इसमें बहुत सारे लार्वल टिश्यूज जो है वो चेंज होते हैं, मोल्टिंग होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद व्हाइट फ्लाई जो है एडल्ट व्हाइट फ्लाई, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वो केस को तोड़ के ओपन करके बाहर आती है। यहां पर हमको जितने भी ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, इनके ये असल में केस है जिसमें प्यूपा था, और वो केस से बाहर आकर व्हाइट फ्लाई हमें नजर आ रही। तो एडल्ट फ्लाइज आने के बाद ये जो विंड फ्लाइज होती है ये फिर से फीडिंग साइट अपनी खोजती है प्लांट की पत्तियों पर, और प्लांट सैप को सक करती है, और फीमेल जो है वो फिर से नई पत्तियों पर अंडर साइड पर नए जनरेशन को तैयार करने के लिए अंडे देती है। लेकिन असल में देखें तो ये कोई थ्रू प्यूपा या थ्रू प्यूपेरिया नहीं होता। असल में जो लास्ट निम्फल स्टेज होता है वो नॉन मूविंग सेसाइल स्टेज होता है, जिसमें ये स्केल इंसेक्ट की तरह फीड करते हैं जब तक वो एडल्ट ना बन जाए। तो इसमें लार्वा प्यूपा एडल्ट लाइफ नहीं होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, बल्कि एक निम्फ होता है जो ग्रो करता है और एक एडल्ट बनता है। जो लास्ट निम्फल स्टेज होता है उसमें वो मूव करना बंद करते हैं और एक स्केल की तरह आकार ले लेते हैं। तो ये हमें इनके बारे में जानना हो। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां पर हम समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है प्लांट का, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन पेस्ट का यानी व्हाइट फ्लाइज का, अगर इनकी संख्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर इन्फेस्टेशन हो जाए। तो सबसे पहले हमको पता है, जैसा कि मैंने कहा, एडल्ट और निम्फल स्टेज दोनों स्टेज में ये फीड करता है प्लांट के सैप पर, सक करता है न्यूट्रिएंट्स को। सक कैसे करता है, तो पहले पियर्स करता है
लीफ सरफेस पे या फिर फ्लोएम टिश्यू में, तो डायरेक्टली प्लांट पूरा अफेक्ट हो सकता है। और ये ग्रेट वेक्टर्स होते हैं डिजीजेस के, तो डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे मोल्ड हो सकता है, लीफ डैमेज हो सकता है, येलोइंग होगा, विल्टिंग होगा, पत्ते गिर जाएंगे या फिर पूरा प्लांट अफेक्ट होगा। तो इन वाइट फ्लाइज को एक मेजर पेस्ट वैसे भी दुनिया में माना जाता है, खास तौर पर एग प्लांट, बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स का। तो अगर आप इनको नहीं हटाएंगे, अगर संख्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो आपका प्लांट भी इससे मर सकता है डिजीज की वजह से। एक इन्वेसिव वाइट फ्लाई की प्रजाति है जिसको स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई कहते हैं, उसने भारत में बहुत सारे क्रॉप्स को अफेक्ट किया था कुछ दशकों पहले। तो ये हमारी मेमोरी में है कि ये प्लांट्स को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं, क्रॉप के आउटपुट को अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वाइट फ्लाइज को मॉनिटर करना है हमारे प्लांट्स में कि इनकी संख्या बढ़ ना सके। नेचर में इनके प्रेडेटर्स होते हैं, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जिससे ये इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, लेकिन गमलों में, ऑर्चर्ड्स में, मोनोकल्चर में खासतौर पर ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो कंट्रोल मेजर्स में क्या है, तो आप पहले तो इन्फेस्टेड लीफ को हटा दो, दूसरा आप फर्टिलाइजेशन करो, प्रॉपर वाटरिंग करो ताकि प्लांट इनसे लड़ सके, या फिर नेचुरल प्रेडेटर्स को इंट्रोड्यूस करो, जैसे लेडी बग है, लेडी बीटल्स है, लेसविंग है, पैरासिटिक दूसरे वॉस्प आते हैं। एक स्पीसीज है जिसको डेल्फास्टुस पुसिलुस कहते हैं, जो कि एक अच्छा इनका प्रेडेटर है, छोटा सा बग आता है। या फिर आप नीम ऑयल यूज कीजिए,